हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक। वेलकम बैक टू फिल्मी काउंटर। आज के वीडियो में वूट पे अवेलेबल 7 बेस्ट सस्पेंस क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। हमारी लिस्ट के नंबर 7 पे है एक्शन क्राइम ड्रामा सीरीज क्रैकडाउन। हम सीक्रेट यूनिट डायरेक्टरेट ऑफ ऑपरेशंस यानी डीओ के लिए काम करते हैं। 24 घंटे हम सबका एक ही काम है, टू एलिमिनेट द थ्रेट। क्रैकडाउन भारत की रॉ एजेंसी में अलग से बनाए गए एक डिपार्टमेंट की कहानी है, जो भारत में पाकिस्तान द्वारा करवाने वाले हमलों से निपटने का काम करती है। रॉ की एक टीम दिल्ली में 8 आतंकियों को मार गिराती है, जिसमें मरियम भी शामिल है, जो पाकिस्तानी आका के अंदर काम करती है। इस बार इतनी लाशें गिरेंगी कि कोई इंटरनेशनल बॉडीज उन्हें गिनवा नहीं पाएंगे। तो लड़की इकलौता और आखिरी जरिया है हमें तक पहुंचने का। इसके बाद सीरीज में मरियम की हमसकल दिव्या की एंट्री होती है, जिसे मरियम की जगह पे पाकिस्तान भेजा जाता है, जो पाकिस्तान द्वारा की जाने वाली सभी साजिशों की जानकारी रॉ तक पहुंचाती है। इसके बाद कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं, जो आपको सीरीज देखने पर मजबूर कर देंगे। तुम एक अकेली जान अपने एजेंट्स को बचाओगे या अपने आवाम को? सहीर मरा है, हमारा मकसद नहीं। हमारी लिस्ट के नंबर 6 पे है मिश्री थ्रिलर वेब सीरीज कोड एम। आर्मी बेस के अंदर सीएम पर असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ। ये जो कोई भी है ना, दे बिलोंग टू द आर्मी। कहानी मेजर मोनिका मेहरा की है, जिसे कारगिल डे सेलिब्रेशन में मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। इस दौरान वो मुख्यमंत्री की जान भी बचाती है। केस के हाई प्रोफाइल होने की वजह से इसे सीबीआई को दे दिया जाता है। केस हैंडओवर करने के बाद भी इतना इंटरेस्ट, लगता है मेजर को यकीन नहीं है हम पर। सर, यकीन करना, मेरे जॉब प्रोफाइल में नहीं आता। लेकिन जब सीबीआई इस केस को सुलझा नहीं पाती, ऐसे में वो खुद इस मामले की गुत्थी को सुलझाने निकलती है। लेकिन इस जर्नी में जो शॉकिंग एविडेंस सामने आते हैं, वो आपके होश उड़ा देंगे। मेजर मोनिका का मतलब है मेजरली बस का, इसीलिए तो मिलिट्री इंटेलिजेंस में आपको प्रमोट किया गया है। ग्लैड टू बी बैक। हमारे लिस्ट के नंबर 5 पे है साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज द गॉन गेम सीजन 2। 3 दिन And I will prove कि साहिल जिंदा है। अगर मैंने कल सबको प्रूफ दे दिया ना, तो आप सबकी असलियत बाहर आ जाएगी। सीजन 2 की स्टोरी सीजन 1 से कंटिन्यू होती है। सीजन 1 में दिखाया गया है कि साहिल गुजराल कहीं छुप गया है, लेकिन सभी को लगता है कि उसका मर्डर हो चुका है, और उसके मर्डर के आरोप में उसकी वाइफ सुहानी को जेल हो जाती है। साहिल पैसे लेके भाग गया है, आपका बेटा ना किसी का नहीं। सुहानी खुद को इनोसेंट साबित करने की कोशिश कर ही रही होती है कि स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है, सुहानी का भी मर्डर हो जाता है। अब क्या इन मर्डर्स का सच सामने आएगा, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। शर्मिला ने हमसे बोला था कि हम तीनों का डीएनए मिला है, लेकिन देयर इज अ फोर्थ वन, मैंने सुहानी को नहीं मारा। शायद तुम्हारे डैड ने मारा हो, शायद तुम हमें फंसाने की कोशिश कर रही हो। हमारी लिस्ट के नंबर 4 पे है क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज इनलीगल 2। जनार्दन जेटली ना सिर्फ इंडिया के जाने माने वकील है, बल्कि सीएम की कुर्सी के अगले दावेदार भी है। हमसे टक्कर लेने चली है, अपनी फर्म खोल लेंगे, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये ख्याल आने के पहले ही 5 बार सोच। देश का नंबर 1 वकील जनार्दन जेटली लगातार बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केस जीत रहा है। उसकी एक बड़ी कंपनी है, जिसमें कई काबिल वकील काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कामयाब वकील बनने का सपना देख रही निहारिका सिंह किसी तरह जनार्दन जेटली की फर्म के साथ जुड़ना चाहती है। अगर आपको सीएम बनना है, तो ये पिनाकल का केस आपको जीतना ही होगा। जिस क्लाइंट को डिफेंड करती है ना, उसी को फंसा के जेल भेज देती है। ऐसे में एक बार निहारिका के पास एक हाई प्रोफाइल रेप का मामला आता है। अब क्या इस केस को जीतने के लिए दूसरे वकीलों की तरह निहारिका भी इलीगल तरीके से केस को अपने पक्ष में मोड़ेगी, या वो अपने सिद्धांतों पर टिकी रहेगी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। निहारिका के बहुत पैदा गिरा दिया हमने, अब सीधे रानी को ही खेल से बाहर करना है मुझे। कंग्रेचुलेट करने आए हैं या हार मान ली आपने? हमारी लिस्ट के नंबर 3 पे है एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज अपहरण 2। अजीब भाषण है हमारी जिंदगी की, चाहे प्यार के चक्कर में हो या काम के, ये किसी न किसी के पास हमेशा गिरवी रहती है। सीजन 2 की कहानी सीजन 1 से कंटिन्यू होती है। रुद्र को एक ऐसे शख्स की तलाश में भेजा जाता है, जिसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा, और वो देश पर कोई बड़ा अटैक करने वाला है। एक टीम तुम्हारे साथ होगी कवर के तौर पे। ये हरकतें आप हमको चढ़ाने के लिए करते हैं बार बार, या वाकई आदमी चूते हैं आप? अब रुद्र को इस गुमनाम चेहरे की तलाश में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। दूसरे सीजन में भी आपको रुद्र श्रीवास्तव का वही स्वैग देखने को मिलेगा। सर कुछ गड़बड़ है सर, एजेंसी की तरफ से बीबीएस का अपहरण का कोई ऑर्डर नहीं। कोई ऑर्डर नहीं है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारी लिस्ट के नंबर 2 पे है एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज कैंडी। रुद्रकुंड ऊपर से जितना खूबसूरत दिखता है ना, अंदर से उतना ही घिनौना है। सीरीज की स्टोरी रुद्रकुंड नाम की एक जगह पर बने स्कूल से शुरू होती है, जहां एक के बाद एक सामने आते हैं, जिसका सीधा कनेक्शन रुद्र वैली स्कूल से देखने को मिलता है। ये कांड तो किसी इंसान का नहीं लग रहा। किसने किया?
मसान वापस आ चुका है। अपने स्टूडेंट्स की मौत से स्कूल टीचर जयंत पारेख परेशान होकर इन मर्डर्स के पीछे का राज जानने में लग जाते हैं। अब इन मर्डर्स के पीछे किसका हाथ है ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। ये मसान जो भी है, इंसान, जानवर, हैवान, I will find it and I will finish it. हमारी लिस्ट के नंबर 1 पे है क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज असुर, वेलकम टू योर डार्क साइड। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो अच्छे लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। अंत ही आरंभ की शुरुआत है। इसी कॉन्सेप्ट पर असुर वेब सीरीज की स्टोरी बेस्ड है। अपराध जगत और आध्यात्म जब साथ साथ मिलते हैं तब असुर जैसी एक कहानी तैयार होती है। खेल रहे हम सब और इस जीवन और मृत्यु के खेल में तुम्हारी हार निश्चित। इस सीरीज में अपराध और आध्यात्म के बीच खींची बारीक सी लाइन पर गढ़ी गई कहानी दिलचस्प होने के साथ साथ हैरत अंगेज भी है। वहीं अरशद वारसी, सारे भाषमी और वरुण सोबती ने इसे अपने अभिनय से और मजबूत कर दिया है। रैंडम प्लेसेस, रैंडम पीपल, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। It's not a game, it's a rage game.